आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम, बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो, हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। हे आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। सफेद साड़ी में लिपटी हुई जिंदगी को मैं स्वीकार कर चुकी हूँ। मैं तुम्हें इस ढंग से अपनी जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकता कि मैं तुमसे शादी करूँ। तेरे और अंजू के बीच मेलजोल काफी बढ़ रहा है, इसलिए यही पे रुक जा। अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए तूने मधु के नाम का इस्तेमाल किया। आपकी बेटी आपके घर वापस आ जाए तो शगुन का जोड़ा लेकर अमर के घर आ जाइएगा। क्या मालदा लड़का फांसा है? एक बेटी के हाथों बाप की मर्यादा की मौत भी आई। पर बैठा है तू? थक गया है क्या? नहीं पापा, बस यूं ही कुछ सोच रहा था। हाँ बेटे, मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारे मन की उथल पुथल। बेटे, ये सिर्फ तुम्हारा हौसला है जो ऐसे हाल में भी हालात के सामने लड़ने की तुम्हें हिम्मत देता है। ऐसी बात नहीं है पापा, मैं आखिरी दम तक लड़ सकता हूँ। अफसोस तो सिर्फ इसी बात का है कि किस्मत ने जो लिखा है उसे मानने के बाद भी मुझे जिंदगी में एक के बाद एक समझौते करने पड़ रहे हैं, और यही सोचकर परेशान हूँ। बेटे, क्या परेशानी है तुम्हारी? दुख मुझे इसी बात का है कि यह शादी मुझे घर के बाकी लोगों से छुप कर करनी पड़ेगी। बेटे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी तकलीफ को मैं समझ नहीं सकता? बल्कि मैं साफ देख सकता हूं तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में। हाँ बेटे, लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारी सुलझनों का सही हल निकलेगा। देखना, सब कुछ उसी तरह होगा जैसे आज तक होता रहा, वही रस्में वही रिवाज। लेकिन वहां मां नहीं होगी, मेरे दोस्त नहीं होंगे। नीतू बेटे, मैं चंद्रकांत बोल रहा हूँ, चंद्रकांत सांगाणी। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? बेटे, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? सब ठीक तो है ना अंकल? आज एक बाप अपने बेटे की खुशियों के लिए तुम्हारी मदद की भीख मांगता है। अंकल, ऐसा कहकर आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अगर मैं आपके नंबर के किसी काम आ सकूं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी। बताइए ना क्या बात है। ठीक है बेटे, तो अब सुनो।
आप चिंता मत कीजिए अंकल, अमर ने मुझे और डैडी को मिलवाया था, मैं अमर और रश्मि को जरूर मिलवाऊंगी। थैंक यू बेटे, थैंक यू। ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? आप अपनी चिंता मेरे साथ नहीं बांटेंगे तो और किसके साथ बांटेंगे? बताइए ना आखिर क्या बात है? एक बेटी के बाप को और क्या चिंता हो सकती है? क्या क्या सोचा था, क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन हमें कहां पता था हकीकत से टकराने के बाद हमारे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। तो अभी क्या बिगड़ा है? कौन से सपने टूटे हैं? अभी हमारी बेटी बहुत बड़े घर में जाएगी, हम उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढ कर लाएंगे जो उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगा। अपनी सारी दौलत लुटाकर भी अगर मैं रश्मि के लिए कहीं से भी हंसी खरीद सकूं तो मैं समझूंगा मैंने उसके साथ इंसाफ किया। जब मैं उसे देखता हूं तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि एक बाप की जिम्मेदारी निभाने में मैं नाकाम रहा हूं। हेलो। हाँ मैं बोल रही हूँ। क्या बात है रश्मि, तुम ठीक तो हो? पता नहीं, कुछ घबराहट से हो रही है। कैसी घबराहट? जब ये ख्याल आता है कि जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं सही है या गलत, तो अचानक मन घबराने लगता है। रश्मि, हमने जो भी फैसला किया है सोच समझ के किया है, फिर तुम्हारे मन में सही या गलत जैसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? वो इसलिए कि जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं उसमें हमारे घर वालों की मर्जी शामिल नहीं है, और जिस बात में घर वालों की मर्जी शामिल ना हो उसके लिए सही और गलत के सवाल तो उठेंगे ही ना। रश्मि, अब हमारे पास इन सवालों के लिए वक्त नहीं है, जो हो रहा है उसे हो जाने दो। तो मुझे गलत समझ रहे हो? मैं तो सिर्फ यही कह रही थी, अगर आज मैंने अपने मम्मी पापा को बात करते हुए सुना, मुझे महसूस हुआ कि बच्चों को लेकर मम्मी पापा कितने सपने देखते हैं, उनके दिल में कितने अरमान होते हैं। अगर हमारे मम्मी पापा ने भी हमारी शादी को लेकर कितने सपने देखे होंगे, कितने अरमान होंगे। लेकिन हमारी शादी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना कोई रस्म, ना कोई रिवाज, ना ढोल ना बाजे, ना गीत और ना ही कोई बाराती। सब कुछ होगा बेटे, सब कुछ। पापा आप? हाँ बेटे मैं। बेटे तुम्हारे वो सारे सपने सारे अरमान पूरे होंगे। हाँ मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और बेटे मैं वादा करता हूं कि तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। बेटे तुम दोनों की शादी पूरे रस्म और रिवाज के साथ होगी। हाँ ये मेरा वादा। थैंक यू। लेकिन पापा ये सब होगा कैसे? बेटे ये तुम मुझ पे छोड़ दो। हेलो। हेलो, मैं जी टीवी से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैडम हमारी जी टीवी के सुपर लोटो प्रोग्राम में आपका जैकपॉट लग गया है। मैडम देखिए, क्या आप अभी तुरंत हमारे वर्ली वाले ऑफिस आ सकती है? क्या? हाँ देखिए, आपको अपनी प्राइज मनी आज ही कलेक्ट करनी पड़ेगी, और हाँ और हमें ट्रीट भी देनी पड़ेगी। ये क्या बोल रहे हैं आप, मैंने तो कोई सुपर लोटो की टिकट ही नहीं ली। क्या कह रही है आप, आपका नाम नीतू ही है ना? हाँ लेकिन अंकल ये सब क्या है अंकल? कुछ नहीं बेटे, मैं तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि जिस मिशन को मैंने तुम्हें सौंपा है उसे तुम ठीक ढंग से पूरा कर पाओगी या नहीं। खैर ये सब बातें छोड़ो बेटे,
अब एक बहुत ही सीरियस काम को हमें अंजाम देना है। मुझे मालूम है अंकल, लेकिन इसके लिए आपको मुझे मिठाई खिलानी पड़ेगी। हमारा ये काम अगर हो गया है ना तो मिठाई तो मैं सारे मोहल्ले को खिलाऊंगा। अच्छा बेटे, अब ये बताओ प्लान नंबर 7 तुम्हें ठीक से याद है ना? यस अंकल। गुड, तो अब प्लान नंबर 7 पर काम करना शुरू कर दो। और हाँ, आगे की जानकारी के लिए तुम्हें हेड ऑफिस से संपर्क किया जाएगा। सर। ओके बाय। बाय अंकल। पापा ये प्लान नंबर 7 क्या है? बेटे तुम आम खाओ, पेट गिनने की जरूरत नहीं। लिस्ट पूरी हो गई। नमस्ते आंटी जी। अरे कैसी है तू? अच्छी हो। ये लीजिए मिठाई खाइए। किस बात की? रश्मि की शादी की खुशी में। क्या? आंटी जी मैं तो मजाक कर रही हूँ। नहीं माँ, नीतू ने एग्जीबिशन की सफलता के लिए पूजा रखी थी, है ना खुशी की बात? हाँ खुशी की बात तो है ही। तो इसी खुशी में आप मुझे मेहंदी लगाइए। मेहंदी? आंटी मैं अपनी एग्जीबिशन पे जा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप मुझे मेहंदी लगाएं, क्योंकि मेरी माँ तो है नहीं ना। ओह दे मैं लगा दी। आंटी एक मिनट, मेरे हाथ थोड़े गंदे हैं, मैं तब तक धोकर आती हूँ, आप रश्मि को मेहंदी लगाइए ना। अच्छा सगी माँ नहीं हूं, प्लीज। आई एम सॉरी। एक मराठी लड़की पूरन पोली जितनी स्वादिष्ट बनाती है उतनी गुजराती लड़की नहीं बना सकती। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हाथों की बनी गुजराती रेसिपीज कोई चक्कर तो बताए ये मराठी लड़की ने बनाई है। सीखो, अपनी आई से कुछ सीखो, घर कैसे चलाते हैं। मैं क्यों सीखूं? मैं तो ऐसे घर में ब्याह कर जाऊंगी जहाँ मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। चाय चाहिए चाय हाजिर है, सोना है तो पलंग हाजिर है, घूमने जाना है तो गाड़ी हाजिर है। क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों छुपा रहे हैं मुझसे? क्या मैं जानती नहीं? मधु की याद आ रही है ना? अगर आप चाहें मधु को मनाकर वापस ला सकते हैं। चुप क्यों है? मधु आपकी बेटी है और आप उससे बेहद प्यार करते हैं, तो फिर उस प्यार को छिपा क्यों रहे? मधु मेरी बेटी है और यह भी सच है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अपने औलाद के प्यार की खातिर मैं अपने आदर्शों से अपने आप से समझौता नहीं कर सकता। अमर अमर जूते रखो और अपनी आंखें बंद करो। प्लीज अमर। क्यों? जो कह रही हूं करो ना। अमर प्लीज।
प्लीज अपनी आंखें बंद करो प्लीज अमर। बोलो। अपना हाथ आगे बढ़ा। ये क्या है? जो कह रही हूं करो ना। अब इस किताब में से कोई भी एक पेज खोलो। ओह माय गॉड, तुमने तो वही जगह चुनी है जिसका मैंने सपना देखा था, पेरिस। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हम दोनों हनीमून के लिए पेरिस जा रहे हैं। What rubbish? This is not rubbish. This is a fact. हम दोनों हनीमून के लिए पेरिस जा रहे हैं। मधु, सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि जब सपने टूटते हैं तो कांटे बनकर आंखों में चुभने लगते हैं। तुम जो सपने देख रही हो उनका भी यही अंत होने वाला है। मैं क्यों अपनी आंखों को तकलीफ देना चाहती हूं? अमर, कांटे किसकी आंखों में चुभेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। मधु जो सपने देखती है उन्हें पूरा करना भी जानती है। पेरिस। क्या तुम शादी कर रहे हो? Congratulations, my boy, congratulations! ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। I should congratulate Rashmi first, won't I? अभी सर, सर एक सेकेंड। क्या? मेरी बात तो सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शादी हम चुप चुप के कर रहे हैं। मतलब? आप तो जानते हैं कि रश्मि के मम्मी पापा इस शादी के लिए तैयार नहीं है और मेरी माँ को ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये बात सिर्फ हमारे बीच रहे। मैं समझ गया। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। सर, सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, आपको इस शादी में हमारी मदद भी करनी पड़ेगी। कैसी मदद? सर, ये शादी तो हम मंदिर में कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी कानून को भी कबूल हो, इसलिए मंदिर में वकील को लाना आपकी जिम्मेदारी। लेकिन मैं तो किसी वकील को नहीं जानता। तो पता कीजिए सर, अगर आप वकील को लेकर मंदिर में नहीं आए तो मैं शादी नहीं करूँगा। अच्छा बाबा, लेकर आऊंगा। सर मैं चलता हूँ, और भी बहुत सारे काम। ऑल द बेस्ट। बाय सर। अरे आप यहाँ है, मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ कर आई। कहाँ कहाँ? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं हर रोज पड़ोसी के घर जाके बैठता हूँ। मजाक छोड़िए ना, देखिए ये क्या है। क्या है? गहनों की डिजाइन, धनीराम ज्वेलर्स के यहाँ से मंगवाई है। डिजाइन है आंखों की, ला बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर। लेकिन मुझे लगता है अगर इस उम्र में तुम ये पहनोगी तो और भी सुंदर लगोगी। रहने दो, रहने दो। ये गहने मैंने अपने लिए नहीं, अपनी होने वाली बहू के लिए पसंद किए हैं। क्यों अमर, कैसा लगा ये सब? ये देख, ये डिजाइन देख, ये कितनी सुंदर है, देख है ना। और ये वाला दे, बहुत अच्छा है ना। और ये वाला दे। कोकिला, कोकिला तुम तो बहुत जल्दबाजी में हो। अरे अभी तो कुछ तय भी नहीं हुआ है। मैंने सब कुछ तय कर लिया है। अरे ये नेकलेस देखिए, ये देखिए चौड़ी पट्टी वाला, मधु के गले में कितना सुंदर लगेगा। और ये कंगन, ऐसा लगता है जैसे मधु की कलाइयों के लिए ही बने हो। कोकिला, तुमने इतना सब कुछ सोच रखा है, लेकिन क्या कभी अपने बेटे से भी पूछा है कि वो क्या चाहता है? ये मेरा बेटा है और मैं जानती हूँ मेरे किसी भी फैसले से उसे एतराज नहीं होगा। जब मैंने तय कर लिया है कि मधु ही अमर की पत्नी बनेगी तो मधु ही बनेगी। किस जमाने की बात करती हूँ कोकिला? हमारा बेटा अमेरिका पढ़ाई करके आया, ये आज की जनरेशन है। जरा सोचो, तुम्हारी बात ना मानकर अगर इसने किसी और से शादी कर ली तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चार साल तक मैंने अपने बेटे को खुद से अलग रखा है, मेरी ममता तड़पती रही है। आज अगर कोई उसे मुझसे छिनकर ले जाए
तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, हरगिज नहीं कर सकती। देखो दुनिया सदा ही हंसी है, हो आती रहेगी बहारें।